पेनिंग में आ रहा है तुम्हारा Very proud to announce the second edition of the India Live Short Film Festival. This festival is completely dedicated to the children that we have taught. So over the last two years, humne almost close to 350 bachche ko sikhaya all across India. They come from various communities. They are marginalized. They are less privileged. So the purpose of this film festival is to showcase the films. Ye bachchon ne kahani khud se likhi hai, direct ki hai. वो एक्ट भी कर रहे हैं ये फिल्मों में बहुत ही पावरफुल फिल्म्स हैं उनके बारे में है उनकी स्टोरीज है कहानी उनकी खुद की है तो दिस फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग देयर फिल्म्स बट बियॉन्ड सेलिब्रेटिंग देयर फिल्म्स वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव टैलेंट बैक टू द इंडस्ट्री बिकॉज एज प्रोफेशनल्स इन द फील्ड वी बिलीव इन गिविंग बैक तो दिस इज़ एक अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पर हमने ये वर्कशॉप जो स्टार्ट किए हैं इट्स ऑल अबाउट मेकिंग गुड सिनेमा क्योंकि आजकल तरह तरह के कॉन्टेंट आते रहते हैं पर अगर ये जो बच्चे हैं यंग है हमारी फ्यूचर है अगर इनको एक स्किल दे दो नॉलेज दे दो जहाँ पे वी कैन मेक देम मेक ग्रेट फिल्म्स तो हमारे लिए ये बेहतर होगा हम मीडिया वालों के लिए ऑडियंस के लिए सब के लिए सो दैट इज़ द मोटिव तो आज का इवनिंग इज़ टू सेलिब्रेट देयर फिल्म्स क्योंकि ये दिस इज़ सिनेमा फ्रॉम द हार्ट एंड वी हैव एन अमेजिंग जूरी बैकिंग अस एंड वी वॉन्ट देम टू गो अहेड एंड मेक ब्यूटिफुल फिल्म्स इन फ्यूचर ये एक थॉट था जो नमिता का एक थॉट था टू गिव बैक क्योंकि हमने और हमने ये सोचा कि अगर हमको वापस ही देना है अपने स्किल से जो हमने सीखा है तो हमको एक उम्र तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है हम ये जब हम एक्टिव है और एक्टिवली हम लोग वापस दे सकते हैं इस सोसाइटी को वो सोसाइटी को जिसको एक्सेस नहीं है बॉलीवुड की ओर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए तो हमने ये सोचा कि हमको एक वर्कशॉप शुरू करना चाहिए और जैसे नमिता ने बोला कि वर्कशॉप की जर्नी एक से दूसरे दूसरे से तीसरे से चौथे पे गई कि हम पटना पहुँचे वहाँ पे हमने मुसहर बच्चों को जो रैट इंडी कम्युनिटी है उनके बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाया भुवनेश्वर में जो रैग पिकर्स है हरियाणा में जो लड़कियाँ सेक्स वर्क जो ट्रैफिक्ड है रेस्क्यूड है या उनकी मदर सेक्स वर्कर्स है जयपुर से एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रन है सातारा से नोमैडिक ट्राइब्स के बच्चे हैं एमपी से बच्चे हैं ट्राइबल बच्चे हैं जिनकी शादियाँ एज माइनर्स होते हैं जिनके बच्चे भी एज माइनर्स होते हैं तो इन सब ने मिलकर अपनी खुद की कहानियाँ लिखी है उनको खुद डायरेक्ट किया है फाइनल ड्राफ्ट में कहानियाँ लिखते हैं खुद डायरेक्ट करते हैं खुद उसमें एक्ट करते हैं और उसके बाद जब ये फिल्में बनी ये बड़ी अच्छी फिल्में बनी एंगेजिंग फिल्में बनी तो हमने ये सोचा कि अगर इन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई है तो इसके लिए हमको एक सीरियस प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इसलिए एक आइडिया है इंडिया अलाइव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है उन सब बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो रूरल इंडिया से आते हैं जो बहुत पिछड़े हैं डाउन ट्रॉडन है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर आके अपनी फिल्में अपनी कहानियाँ वो भी कहानियाँ सुना सकते हैं वो भी कहानियाँ बता सकते हैं और यही आइडिया है कि उनके साथ बैठ के हम सेलिब्रेट करें अब क्योंकि एकेडमिकली ये अच्छा इनिशिएटिव हो गया तो जब हमने इंडस्ट्री में अपने जितने भी हमारे फिल्म मेकर्स हैं जब उनके पास हम गए उन्होंने ये सब देखा तो दे ओपनली स्टार्टेड सपोर्टिंग अस ये उनका ये मानना है कि ऐसा इनिशिएटिव जो हम फिल्म बग हमारी संस्था फिल्म बग है जो हमने शुरू की है ऐसा इनिशिएटिव ना तो हिंदुस्तान में है ना वर्ल्ड में कहीं पर है देयरफोर एक जूरी है जिसमें कबीर बेदी हमको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं जैकी श्रॉफ हमको शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं वरुण धवन जो अनफॉर्चुनेटली अभी मतलब फॉर्चुनेटली ही शूटिंग इज फिल्म वेरी गुड बट ही कुडंट मेक इट फराह खान आज संजय भाई आए हैं हमको सपोर्ट करने के लिए तो सब लोग ओपनली हमको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अलग ही इनिशिएटिव है मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो हमने बच्चों को 14 दिन में सिखाए हैं
कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि टुडे अगर ये बच्चे ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, दे विल बी एट पार एट एनी चाइल्ड फ्रॉम द न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल. दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस. इनकी अगर आप कॉन्टीन्यूटी शीट्स देखेंगे, इनके जो स्क्रिप्ट लिखे हैं, जो कैमरा के लेंसेज की जानकारी है इनको, दे आर एट पार विद एनी बडी हु इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ फिल्म स्कूल टुडे. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे जाके ये बच्चे जिनको इंटरेस्ट है इसमें डेफिनेटली करियर बनाएंगे. एंड वी नो दैट क्योंकि लास्ट ईयर फराह जी ने सपोर्ट किया था, प्रकाश जी इज़ ऑल्सो कमिटेड टू यू नो इंडक्टिंग सम ऑफ आर चिल्ड्रन. पर हमें हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि पहले एजुकेशन खत्म करो, देन वी विल टेक यू फॉरवर्ड. और आज एक अनाउंसमेंट भी आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इनकी जो फिल्में हैं वो एक अलग ऊपर लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल पे ऊपर आएंगी. उसको एक एंडोर्समेंट भी मिलेगा आज जो अनाउंसमेंट हम करेंगे. And I think shortly that announcement will also come up. So wherein we are trying to take it forward, we are trying to formalize this initiative. इस initiative को एक औपचारिक रूपरेखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको 2-2.5 साल लगे हैं. But hopefully with everybody's support, जैसे आप लोग भी सब आए हो, पारुल है, सारी जितने भी जूरीज है, जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, सारे बच्चे हैं. और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से बच्चे बड़ी मुश्किल से बॉम्बे पहुँच रहे हैं. परसों इन बच्चों की सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई, पटना की ट्रेन कैंसिल, भुवनेश्वर की, बैंगलोर की ट्रेन, एमपी की ट्रेन, सारी ट्रेनें. पर ये बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी है. वो बैंगलोर की जो बच्चे हैं वो 28-30 घंटे के बाद आए. ट्रेन कैंसिल हो गई है, बस जहाँ पे वो रास्ता ख़राब हो गया है वहाँ से उन्होंने ट्रेन करके, तो इन्होंने बड़ी मेहनत की. इनमें पैशन बहुत है. ये बच्चे सब फेयरलेस है, चाइल्ड लीडर, हम इनको चाइल्ड लीडर बोलते हैं इन सारे बच्चों को. ये बच्चे बड़े फेयरलेस है, बहुत कॉन्फिडेंट है. ओके, लेट्स डू द कबीर. यस, अभी तो हम बहुत ही नए हैं, ये हमारा दूसरा साल है. बट वी हैव स्ट्रगल्ड. ऑफकोर्स चैलेंजेस होती है कि पहले लोगों को समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हो आप, क्यों सब काम वाम छोड़ के आप जा रहे हो गाँव गाँव बच्चे को सिखाने, क्या मिलेगा आपको, आपको क्या फ़ायदा क्या हो रहा है. तो मेरा उनको कहना है कि 100% मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज है, स्किल है और हम ये बच्चे को इम्पार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बच्चे आगे जाके ही इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली अभी मुश्किल है, फंड्स रेज मुश्किल करने में मुश्किल है, पर दैट इज़ व्हाट दीज इवेंट्स आर अबाउट, कि अवेयरनेस बढ़े, इनिशिएटिव के बारे में अवेयरनेस करें. और ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो थोड़े थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आगे जाके ये बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव बनेगी. और अगर आप लोगों का, मीडिया का सपोर्ट रहेगा, जैसे हम फ्रटर्निटी हमें बैक कर रही है, तो 100% आगे जाएंगे. आपको ये बात हम लोग बहुत दावे के साथ बोल सकते हैं कि इन बच्चों में से हमारे आज यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो हमारे पिछले एडिशन से है, उसमें हमारा सुपर 13 का एक ग्रुप है जिन्होंने बहुत, जिनकी आज आप फिल्म देखोगे, जिन्होंने साथ में मिलकर फिल्म बनाई है. और हमारा ये दावा है कि आने वाले सालों में ये अच्छी फिल्में, कमर्शियल फिल्में बनाएंगे. और ये फेस्टिवल ये जो वर्कशॉप है, 2 जगहों पर काम करता है. जब हम इनके साथ वर्कशॉप करते हैं, 14 दिन इनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इनकी कहानियों के थ्रू ये अपने जितने भी इमोशंस हैं उनको अनब्लॉक करते हैं. तो उनकी पर्सनैलिटी जो है 12-15 दिन में चेंज हो जाती है. और जब यहाँ पे ये बच्चे आके फिल्में देखते हैं आप सब लोगों के साथ और इंडस्ट्री के साथ, तो दे गो बैक फुली ट्रांसफर्ड एंड चेंज पीपल. एक मिनट. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, ये बहुत ही खुशी का अवसर है. मैं सोच भी नहीं सकता था कि जब नमिता और कपिल ने ये काम शुरू किया कि इतनी सफलता पाएंगे और इतने नौजवानों की जिंदगी बदलेंगे और ये नौजवान इतनी अच्छी फिल्में बनाएंगे. क्योंकि उस वक्त एक छोटा सा ग्राउंड था, कुछ चंद बच्चे थे. अब कई स्टेट्स में इन्होंने काम किया है, अच्छी फिल्में बनाई हैं और एक फिल्म फेस्टिवल को भी जन्म दिया है. ये फिल्में टेलीविज़न पे भी दिखाई जा रही हैं. तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोजेक्ट को इतनी सफलता मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगा बॉलीवुड से भी और इंडस्ट्री से भी. और इन्होंने साबित कर दिया कि अगर गरीब से गरीब बच्चों को सहायता दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, जानकारी दी जाए, कि वो एक करिश्मा कर दिखा सकते हैं. और ये इंडिया अलाइव शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इसका प्रूफ है.
कि ये बच्चे कितना कमाल कर दिखा सकते हैं, और मैं इन सबको बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट देम. थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन नमिता एंड कपिल. सर, डू यू फील आई थिंक कम यू सिंग फॉर सपन सिंग फॉर सपन. अरे अरे संजय सर, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल फेस्ट, कोई भी फेस्टिवल होता है अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ख़ास बात है, और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नमिता और कपिल मिलके, और कुछ सिनेमा का एक इस्तेमाल इस तरह से भी हो सकता है, और जो काबिलियत बच्चों में है, जो जिस माहौल में और जिस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस से वो आए हैं, वहाँ उन में वो हुनर पैदा नहीं हो सका. और जब आप किसी को भी कुछ देते हैं तो ये साबित ये करता है कि जब आप माहौल देते हैं, ज़रिए देते हैं, ज्ञान देते हैं, और किसी को पनपने देते हैं, तो फिर वो कुछ खूबसूरत फूल खिलता है, कुछ होता है, और वही है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है, और सबको देखना चाहिए. मुझे लगता है बहुत लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और इसको बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, इसको मतलब हिंदुस्तान भर में ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे सिनेमा के अलावा भी बहुत कुछ होगा. ये सिर्फ महज सिनेमा तक सीमित नहीं रहता, ये कुछ एक आप कुछ कर रहे हो, एक अलग बात कर रहे हो, कुछ इसमें एक खूबसूरती है, एक ज़रूरी बात है, ये करना ये हमारी जिम्मेदारी है. तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. The good India alive, India alive, good, good, good. घर घर तक सिनेमा पहुंच गया है, लेकिन ये फिल्म मेकिंग अब घर तक पहुंचा रहे हैं कपिल नमिता, गुड जॉब. और ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास कोई जरिया नहीं है आगे आने का. सो इट्स वेरी गुड, गुड, अच्छा एक. और जैसा सुधीर सर ने कहा कि पूरे देश में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. वो लोग सिनेमा बना रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे. आप इनके पोस्टर्स देखिए, क्या कमाल के पोस्टर्स हैं, नाम कितने खूबसूरत रखे हैं इन्होंने, बिल्कुल अनकन्वेंशनल. थैंक यू. वो एक ऐसी महिला थी जो पॉलिटिशियन नहीं लगती थी, बिल्कुल अपनी घर जैसी लगती थी, समझदार लगती थी, और सडनली ये 370 और ये सबके बीच में का एक ऐसा न्यूज़ सदमा है, घर का जैसे कोई गया है. सर, 370 की बात की तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना पॉजिटिव? देखिए, हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोगों को डिसाइड करने देते हैं, मतलब सरकार डिसाइड करती है, अच्छा ही डिसाइड किया होगा, और बस हम जनता को ये चिरकुटाई से बचना चाहिए. कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे और ये सब इतना अनसीरियस मामला नहीं है. वो इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है. वो लोगों का घर उजड़े हैं, वापस से बसेंगे, तो हम सबको शांत रहना चाहिए. ऐसे अलग किस्म की थी, जिसको अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है ग्रेस, बहुत कम लोगों में पॉलिटिशियंस में होता है, वो था उनमें. बहुत पुरानी है वो, 25 साल की उम्र में पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी. एक युग था, एक तरह के राजनीति के थे उस ज़माने में, उनमें से सुषमा जी थी. अब वो एक युग सा जा रहा है, एक एग्रेशन सा जो पॉलिटिक्स में आ गया है वो नहीं था उनमें, और इसीलिए आप अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से, दूसरे खेमों से भी, ऑपोजिशन से भी, हर तरह लोगों में एक दुख हो रहा है. और शीला जी और इनका अचानक, एक तरह के पॉलिटिशियंस दोनों थे, शीला दीक्षित और सुषमा जी, तो वो दोनों का इतना आसपास गुजर जाना वो बड़ा लॉस है मेरे ख्याल से. और वो युग जा रहा है, तो अब उस, और युग तो जाएगा, लेकिन अब उसको कौन रिप्लेस करेगा और क्या होगा उसकी जगह, ये कुछ अंधकार सा दिख रहा है आगे. कभी दिखे. सर, थोड़ा सा आगे से. हम यहाँ एक चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली
सुषमा जी के गुजरने से बहुत सदमा पड़ा है, बहुत दुख हुआ है। कुमार की पॉलिटिशियंस थी और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और एक गर्व की बात है देश के लिए कि वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। एंड आई जॉइन द फैमिली एंड द नेशन इन मॉर्निंग हर पासिंग। आई थिंक ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज हम सब के हाथ में तो आजकल फ़ोन है, मीडियम है कुछ बनाने का, लेकिन उसे पेश करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एंड दे आर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी, बिकॉज फिल्म मेकिंग हो या कोई भी कला हो, इट इज़ नॉट द परव्यू ऑफ अ फ्यू पीपल। कला जो है वो हर किसी में है, बट बहुत लोगों को उसे प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। एज इम्पॉर्टेंट एज हैविंग टैलेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्लेस टू प्रोजेक्ट योर टैलेंट, टू शोकेस योर टैलेंट, एंड दिस इज़ वॉट दिस इज़ डूइंग। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच वी ऑल आर ट्राइंग टू सपोर्ट, कबीर, सुधीर, शान, मी, माई सेल्फ, इन आई मीन वी आर जस्ट सपोर्टिंग इन वॉट वी आर जस्ट बीइंग अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। हम लोग का क्या हिस्सा है, वी आर जस्ट हियर जस्ट इन प्रेजेंस एंड वील सी अ फ्यू फिल्म एंड मेक अ फ्यू कॉमेंट्स, बट द वर्क इज़ ऑल देयर्स। काम तो उन सब का है, सो इट्स ऑल देयर हार्ड वर्क एंड वी आर जस्ट हियर टू डू अ लिटिल बिट दैट वी कैन। देखिए बहुत से टैलेंट्स हैं, फ्रॉम वेयर टैलेंट कम्स अप नोबडी नोज। टैलेंट कम्स अप इन क्रिकेट फ्रॉम प्लेइंग गली क्रिकेट, इट कम्स अप फ्रॉम इन सिनेमा एंड मूवीज, फ्रॉम रियलिटी शोज, और फ्रॉम जस्ट हियरिंग समबडी। वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम म्यूजिक वीडियोज, यू नो, सो टैलेंट कम्स फ्रॉम एनी वेयर एंड एवरी वेयर, बट इट नीड्स अ प्लेस टू बी शोकेस्ड, एंड दिस इज वॉट दिस प्लेटफॉर्म इज गिविंग देम। Now, I've known Nameeta for many, many years now, and she's always had a social, a very strong social side to her, to always want to do something for, you know, a certain part of the society. And we've done a lot of such projects together, whether it's for, you know, for different NGOs. We've done music videos. And in the last couple, I think this is the third year that they're doing Filmbug. I've been second edition, third year. And when it started off, since then, I've been a part of, you know, like Kohli saab said, of course, you know, the film, the stuff is made by them, a lot of hard work put in by Kapil, Nameeta, all of them. But it's also nice to encourage young kids who are so dynamic, so talented. And I'm sure that, and this year I've got to know that they've also made a musical, so I'm very excited about that. Ji, bilkul, hamare, you know, jis tarah se in the last 5 saalon se jab hum unhe as an actively देख रहे थे, उससे पहले भी शी इज़ बिन अ वंडरफुल ओरेटर, बहुत अच्छी स्पीकर थी, और एक्चुअली इट्स टू अर्ली, शॉक्ड है कि जल्दी अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स नॉट जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया विल मिस हर अ लॉट।